हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और आज बाबा साहब का जन्मदिन 127वां जन्मदिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा, बहुत तादाद के अंदर। इस बार तो जनसैलाब है। आज हम जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में कुछ महिला हैं जो कि आज बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने आई हैं और मनाने आई हैं। क्या नाम है आपका? सुजाता। सुजाता जी, आप यहाँ क्यों आए हो? आज हम लोग 14 अप्रैल मनाने आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 14 अप्रैल मन के सेलिब्रेट करने आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 127वां जन्मदिन है और हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि जो शेड्यूल कास्ट के जो हम लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्होंने हमें काफ़ी आगे बढ़ाया है और काफ़ी सपोर्ट किया है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। किसने बढ़ाया आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी, हमें नहीं बढ़ाया, हमारी पूरी जो शेड्यूल कास्ट है, जो हमारी कास्ट है, उन सबको बहुत सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, हर एरिया में। बाबा साहब ने ऐसा क्या काम करा है कि जो आपको आगे बढ़ने का मौका मिला? उन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारी, हमारे लिए संविधान बनाया है और हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जो एरिया है शेड्यूल कास्ट का, उनके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे लिए जॉब्स प्रोवाइड की हैं, तब जिसे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको जॉब्स मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि जो जो मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना चाहिए, लेकिन अधिकतर जो महिलाएँ हैं रूढ़िवादी व्यवस्था में पड़ी हैं, वो उन्हें पाठ पूजा करती हैं और वो रात दिन अगरबत्ती धूपबत्ती जलाती हैं कि हे भगवान हमारा उद्धार हो जाए, करवा चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, काफ़ी जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इस बात पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे जो यूथ हैं वो इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। और इवन हम लोग उनको, जो पुराने लोग हैं उनको एजुकेट भी करते हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप काम करते हैं, जो आपका वर्क है, आप उसी से सक्सेसफुल होते हैं। इन सब चीज़ों से नहीं होते कि भगवान का नाम ले रहे और आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तब तक आप वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये थे बहुत सुजाता ने बताया कि जो हमारे जो रूढ़िवादी जो चल रहा है रीति रिवाज, उसको हम अपने बुजुर्गों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकतर एजुकेशन के अंदर आए हैं, शिक्षा के अंदर आए हैं, उससे अपना उद्धार होगा। और ये हकीकत बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि ये शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जितना इसे पियेंगे उतना धाड़ेंगे। उसी तरीके से सुजाता ने भी यही साबित कर दिया कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।